हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पंचुएशन। तो पंचुएशन जो है, इसमें से लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इस टॉपिक पे, क्योंकि छोटा टॉपिक ही है ये। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, लेकिन इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। हो सकता है दो भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो टॉपिक कोई भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कम इंपॉर्टेंट हो चाहे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ईडियम्स हम कर चुके हैं, जो काफ़ी डिटेल में हमने किया, अब पंचुएशन करेंगे। अब पंचुएशन के बारे में एक ब्रीफ में समझ लेते हैं। क्या है? यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स एंड टू क्लारिफाई मीनिंग। यूज क्या काम आता है ये पंचुएशन, की मीनिंग जो है सेंटेंस का वो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। अब कौन कौन से पंचुएशन यूज्ड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, हाइफन, एस्टरिस्क, ये किसी काम नहीं आता, ये मैथ में यूज होता है। ब्रैकेट, स्पेस, कॉमा, इटैलिक्स, एलिप्सिस, स्ट्रोक, डैश, कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरलाइन, कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एब्रिविएशन, अपोस्ट्रोफी, सारे के सारे हम नहीं पढ़ेंगे। जो जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और वही हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो भी वीडियो होने वाली है वो सारी मॉड्यूल पर ही बेस्ड होगी, उसी को हम गाइड मानकर चलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स डायरेक्टली अब हम एक एक को समझ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। स्पेस जो वर्ड्स में या किसी लाइन में से आता है, सेपरेट्स वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, स्पेस ऑफ वन लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स। कोई पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ, उनमें स्पेस देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है, ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो रहा है। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये मॉड्यूल में दिया हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको किसी को। फुल स्टॉप, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। टू एंड अ सेंटेंस इन एब्रीवेशन, मिस्टर के आगे लग गया, बी ए है, कोई डिग्री है तो ये बी डॉट ए लग गया, क्योंकि ये भी एक एब्रीवेशन ही है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट है डेट, कोई भी आप डेट लिख रहे हो तो उसके बीच में डॉट लगाते हो, डेसिमल मैथ्स में यूज होता है पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पंचुएशन मार्क है कॉमा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। टू सेपरेट मेन क्लोजेस, कोई दो इंपॉर्टेंट क्लोजेस का मतलब होता है सेंटेंस ही, पार्ट ऑफ सेंटेंस। टू द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, दो सेंटेंसेस हैं और इन दो सेंटेंसेस को जब एक सेंटेंस में कर दिया, तब इस पूरे को पढ़ते टाइम हमें यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना था। फुल स्टॉप लगाते तो क्या होता कि दो अलग अलग सेंटेंस में बन जाते। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद काफी पॉज लेके फिर हम दूसरे सेंटेंस कंटिन्यू करते, लेकिन अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इससे पता चलता है कि पूरा एक ही सेंटेंस है और यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है हमें। द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, पंचुएशन जो है ये बोलने के लिए आते हैं ज्यादातर, कॉमा, फुल स्टॉप, इनसे ये पता चलता है कि हमें पॉज कहाँ पे लेना है या फिर स्ट्रेस किस वर्ड पे देना है। नेक्स्ट है बिफोर टैग्स, क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि ये वरंट यू, वजंट आई, जो पूरे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। यू आर लेट फॉर द मीटिंग, वरंट यू, तुम मीटिंग के लिए लेट थे, नहीं थे क्या, तो यहाँ पर एक कॉमा आएगा क्वेश्चन टैग स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट है आई वॉज जोकिंग, यू सी, कोई कॉमेंट है ये, इसलिए यहाँ पे कॉमा आ गया। नेक्स्ट है टू डिनोट वर्ड्स लेफ्ट आउट, रोमियो लव्ड जूलियट, मजनू लैला। अब यहाँ पर क्या है, रोमियो लव्ड जूलियट लिख दिया, यानी रोमियो जूलियट से प्यार करता था, मजनू भी करता था, तो अब यहाँ पे कॉमा आ गया, तो लव लिखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ी हमें, वो इम्प्लाइड हो गया कि यहाँ पे भी लव की बात ही हो रही है। नेक्स्ट है टू सेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये जो डायलॉग्स में होते हैं। आई एम टायर्ड, ही रिप्लाइड, उसने कहा कि मैं थक गया, की नहीं, की होता तो इनडायरेक्ट हो जाता, इसलिए डायरेक्ट में क्या होगा, उसने कहा मैं थक गया, हम जब किसी को कोट करते हैं तब आता है ये कॉमा। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइफन। हाइफन कहाँ पर यूज होता है देखते हैं हम, आफ्टर अ फ्यू प्रीफिक्सेस और अदर वर्ड एलिमेंट्स, जैसे कि एक्स पार्टनर, एक्स वाइफ और समथिंग लाइक दैट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ब्लू पेंसिल, कभी भी दो वर्ड्स को जोड़ रहे होंगे हम तो ब्लू पेंसिल है जैसे कि, तो यहाँ पे बीच में हाइफन लगाएंगे, ये आपने बहुत यूज किया होगा, कॉमन है। नेक्स्ट है टू लिंक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, द दिल्ली जयपुर हाईवे, अब दिल्ली जयपुर है तो स्टार्ट हो रहा है दिल्ली से, एंड हो रहा है जयपुर पे, तो इसके लिए बीच में लगा दिया हमने हाइफन।
नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी कोलन। सेमी कोलन को कैसे डिनोट करते हैं हम, देख लो आप, कॉमा है उसके ऊपर फुल स्टॉप है। ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते, बाकी इंपॉर्टेंट है ये भी पंक्चुएशन मार्क। द यूज ऑफ सेमी कोलन एम्फेसाइजेस और एड्स वेटेज टू द सेकेंड क्लोज। दो क्लोज हैं, फर्स्ट है सेकेंड है, तो जो सेकेंड है उस पर एम्फेसाइज करने के लिए हम सेमी कोलन को यूज करते हैं। और देखते हैं इसको यूज टू प्रोवाइड पॉजेज बिफोर सर्टेन एडवर्ब्स, पॉज लेने के लिए। अब कॉमा है, और एक होता है कॉमा और एक होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में क्या होता है कि पूरा पॉज लेते हैं हम, कॉमा में फुल स्टॉप से कम लेते हैं। इन दोनों के बीच का, यानी कॉमा से ज्यादा पॉज लेते हैं हम सेमी कोलन में बोलते टाइम। ही वर्कड वेरी हार्ड, हाउएवर ही डिडंट सक्सीड। पॉज लिया इसमें, और आपने देखा होगा कि फुल स्टॉप, जितना फुल स्टॉप अगर लग जाता तो मतलब हो जाता कि ये एक सेंटेंस है उसके बाद ये अलग सेंटेंस है, लेकिन नहीं, एक ही सेंटेंस है, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है कॉलन। सेमी कॉलन पढ़ लिया, अब कॉलन भी पढ़ लेते हैं। कॉलन में क्या है, टू इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन। दे डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, दे मस्ट बी टायर्ड। पूरी रात वो सोए नहीं इसलिए वो थक गए होंगे। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्पल। टूडे दे फेस अनदर थ्रेट टू सर्वाइवल, स्टारवेशन। एग्जाम्पल दिया हमने, बताया कि क्या था वो अनदर थ्रेट। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन और डायरेक्ट स्पीच। कोई भी डायरेक्ट स्पीच के लिए हो तब भी यूज होते हैं। मेन जो कॉलन है उसके तीन ये मेन यूज होते हैं। अब फंक्शन देख लेते हैं हम। और टू पॉइंट द रीडर्स अटेंशन फॉरवर्ड। कोई आपने लाइन लिख दी, उसके बाद आप चाहते हो कि रीडर की जो अटेंशन है वो आगे का जो कंटेंट है उस पर भी पड़े, तो आप कॉलन डालते हो, उससे रीडर को लगता है कि आगे भी कुछ होगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ आइटम्स लिस्टेड सेपरेटली। कोई भी आपने लिख दिया शॉपिंग लिस्ट, उसके बाद कॉलन लगा के एक पूरी लिस्ट लिख दी कि क्या क्या है शॉपिंग लिस्ट में। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट अ कंक्लूजन। कोई आपने बहुत कुछ बड़ा सा पैराग्राफ लिखा, उसके आगे आप कॉलन लगा के कुछ शॉर्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो। अपोस्ट्रोफी, ये बहुत कॉमन है और डेली लाइफ में यूज भी होता है। अपोस्ट्रोफी क्या है, ये ऊपर आएगा कॉमा इसमें। ये क्या है, पोजेशन के लिए या फिर किसी रिलेशन को बताने के लिए यूज होता है। टू डिनोट पोजेशन और रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल हैरीज बुक। हैरी के आगे हमने अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगा दिया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शन यानी दो वर्ड्स को, कोई एक वर्ड था उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। कैन नॉट को हमने लिख दिया कांट, तो और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया। इज नॉट को लिख दिया इजंट, अपोस्ट्रोफी लगा दी ऊपर। हाउ टू यूज, अब इसको यूज कैसे करते हैं। वर्ड्स दैट डोंट लास्ट विद एस, कोई वर्ड है जो एस के साथ लास्ट नहीं कर रहा तो उसमें नॉर्मल हम यूज करते हैं। गर्ल है जैसे, तो गर्ल्स ड्रेस कर दिया, नॉर्मल यूज करते हैं। अब वर्ड्स दैट लास्ट विद एस, अब जैसे पारस है, पारस का कुछ है, पारस का पेन है या कोई पेंसिल है, कुछ भी है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे पारसज, जैसे उन्होंने था गर्ल्स वैसे पारसज पेन, नहीं, तो तब क्या बोलते हैं हम, पारस पेन। कोई अपोस्ट बोलते टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिखते टाइम हम डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लेकिन इसके आगे एक और एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ पारस, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी। तीसरा पॉइंट है नॉट टू बी यूज्ड विद पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि वंस, देयर्स, योर्स, हिज, हर्स। जब लेटर लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना योर्स ऑबिडेंटली, तो तब अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते कभी भी, और लगाते हो आप तो उसके नंबर कटते हैं। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में। होता क्या है ये इन्वर्टेड कॉमा, और इसको बोलते टाइम दिखाने के लिए ये सिंबल होता है इन्वर्टेड कॉमा के लिए। टू इनक्लोज मटेरियल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ टेक्स्ट फ्रॉम आउटसाइड। कोई लाइन है, कोई पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, उसके अंदर आप कुछ ऐसा डालते हो जो हटके है, थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए, और जो पैराग्राफ से हटके है, नॉलेज से बाहर है, उसको आप शो करने के लिए करते हो कोटेशन मार्क। अब ये डबल है और ये सिंगल है, लेकिन आप दोनों में से कुछ फर्क नहीं है इन दोनों में, कोई भी जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये है कि अगर स्टार्ट आप डबल से करें तो उस लाइन को एंड भी आप डबल से करोगे, सेम गोज विद सिंगल कोटेशन मार्क। नेक्स्ट है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में क्या है, ब्रैकेट्स बहुत यूज होता है। यूज सो दैट द फ्लो ऑफ द सेंटेंस इज नॉट इंटरप्ट एडेड इन्फॉर्मेशन। ब्रैकेट जब भी लगाते हैं हम किसी पैराग्राफ में, तब यही होता है कि कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन है, और उसको ब्रैकेट में इसलिए करते हैं ताकि मेन मकसद हमारा ये होता है ब्रैकेट लगाने का कि पूरा आप सेंटेंस पढ़ते टाइम उसे इग्नोर कर सकते हो, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसे इग्नोर कर सकते हो, ताकि इस पूरे सेंटेंस का जो है वो फ्लो खराब ना हो।
ब्रैकेट क्या है, दो तरीके के हैं, क्रिसेंट स्क्वायर ब्रैकेट, क्रिसेंट क्रिसेंट मून जो होता है जो इस शेप का होता है, सॉरी जो इस शेप का मून होता है उसे भी क्रिसेंट मून ही कहते हैं, क्रिसेंट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। क्रिसेंट ब्रैकेट में क्या है, टू एनक्लोज एन एब्रीविएशन, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रैकेट में GOI इशूड अ नोटिस। अब अगली कोई मान लो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने एक बार लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया GOI, अब आगे दोबारा जब भी मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना होगा तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा GOI लिख दूंगा, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा ताकि सबको कि GOI इसने स्टार्टिंग में रेफर कर दिया कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है टू एनक्लोज अ ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन है आपकी, द अग्रीमेंट वॉज वॉइड एब इनिशियो, अब ये फॉरन फ्रेज है, वॉइड तो हमें पता है नल जीरो, एब इनिशियो क्या है, इनिशियो मतलब इनिशियली, इनिशियल से, इनिशियल यानी बिगनिंग से, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से वॉइड, तो अब ये मीनिंग सबको नहीं पता तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जिसे नहीं पता हो फ्रॉम द बिगनिंग। अब ब्रैकेट एक होता है स्क्वायर, टू एनक्लोज वर्ड्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आई अप्रिशिएट इट बट आई मस्ट रिफ्यूज, अब इट क्या है यहाँ पे, अब हमने सिंपल कहीं से ही एक्सट्रैक्ट उठाया, कहीं से लाइन उठाई है, लेकिन अब हमें पढ़ने वाले को तो नहीं पता होगा ना कि ये इट क्या है, द ऑनर उसे कुछ ऑनर दे रहे थे, कुछ खिताब दे रहे थे, हो सकता है कुछ टाइटल दे रहे हैं उसे जो उसने रिफ्यूज किया है, आई अप्रिशिएट इट बट आई मस्ट रिफ्यूज, अब ब्रैकेट ने हमें बता दिया कि इट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। दो ब्रैकेट और बचे हैं, ब्रेस ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट, ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं यूज होते, ब्रेस ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट ये आपने यूज भी किए होंगे। तो यहाँ पे पंक्चुएशन का हमारा टॉपिक खत्म होता है, मॉड्यूल का एक एक पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हमने कवर कर दिया। अब इसके बाद आप ये नोट्स पढ़ो या मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।